हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? आज आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे, आज मैं एक TWS का वीडियो करने के लिए आ गया हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मार्केट पे पूरा नया चीज़ है, इसी टाइप का कोई चीज़ अभी तक नहीं दिखने के लिए मिला था, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आ गया मार्केट में जाके। तो ये नया नया गैजेट में तो बहुत शौक है, इसीलिए मैं इसको उठा के लाए और इसको आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए, ये जो नया ईयरबड्स है इसका पूरा वीडियो देख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ देखते रहिए और मैं इसी वीडियो में इस TWS के बारे में पूरा डिटेल्स आप लोगों को शेयर करूंगा। जो जो मुझे देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये है ट्रू वायरलेस मैक्स V5.3 नया ईयरबड्स है। आप देख के समझ गए कि ये पूरा नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, ट्रू वायरलेस मैक्स V5.3। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत तस्वीर बना हुआ है TWS का। यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा गया है क्लियर एंड स्टेरियो साउंड, 800 mAh छोटा छोटा करके लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ही 800 mAh का बैटरी दिया गया है, सुपर लार्ज कैपेसिटी लिस्टिंग एंड अर्न्स। साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है M12 Max, देख सकते हैं आप लोग M12 Max लिखा है। नीचे के साइड में ट्रू वायरलेस लिखा है। पीछे चले जाते हैं, पीछे यहाँ पे भी लिखा है M12 Max। ये जो वायरलेस ईयरबड्स है इसका नाम रखा गया है M12 Max। यहाँ पे वही पार्ट्स का तस्वीर बना हुआ है और कुछ डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि माइक, टच, टू साइड कॉलिंग, वायरलेस म्यूजिक, लार्ज बैटरी। यहाँ पे मॉडल लिखा गया है, मॉडल है M12 Max, वायरलेस वर्जन 5.3, इफेक्टिव डिस्टेंस 10 to 15 m मतलब मीटर, फ्रीक्वेंसी 100 Hz to 10 kHz, केस बैटरी कैपेसिटी 30 mAh, ईयरबड्स बैटरी कैपेसिटी 800 mAh। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है, केस बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये जो केस है इसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है और बार्स का कैपेसिटी कम होता है, मतलब जो कान में लगाने वाला बार्स है उसका कैपेसिटी कम होता है, तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया है शायद। म्यूजिक टाइम 4.5 आवर्स, टॉक टाइम 4.5 आवर्स, स्टैंड बाई टाइम 150 आवर्स, चार्जिंग टाइम 1 to 2 आवर्स। तो बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे टेनिस का जो दबा है वो लगा दिया गया है, मतलब मेड इन चाइना लिखा गया है। तो इसका आउटर लुक तो हम लोग देख लिए, इसका अंदर का नज़ारा भी देख लेते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हाँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो बर्ड्स है इसका और भी वेरिएंट आता है, उसका ही यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है ये जो कलर वेरिएंट है। ऐसे भी मेरे पास ये ग्रीन वेरिएंट भी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे ट्रू वायरलेस लिखा है, मैक्स M12 Max, क्लियर स्टीरियो साउंड, यूज़र मैनुअल। बेसिकली ये एक यूज़र मैनुअल है और यहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन दिया गया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मुझे तो ये ज़रूरत नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं अभी के लिए। और ये बर्ड्स देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत बर्ड्स का केसिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लुक। पहले मुझे लग रहा है कि डक को ही देख लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ ये जो केस है ये बहुत ही अच्छा है और फील गुड। इसके अंदर जो बैटरी बोला गया है शायद वो बैटरी है, थोड़ा वेटी तो फील आ रहा है। तो और ये है बार्स हम लोगों का, ये बार्स भी यूनिक शेप में आया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे तरीके का बार्स जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसका जो लुक्स है वो मैंने इसी टाइप का लुक्स पहले कोई बार्स में नहीं देखा सीरियसली। तो चलिए इसको यहाँ पे रख के ऑन कर लेते हैं और इसका नज़ारा देखते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, डिजिटल डिस्प्ले, और ये ऑन होता है कैसे लगता है वो देख लेते हैं। वाव, देखिए फ्रेंड्स कितना अमेजिंग लग रहा है। कलर डिस्प्ले दिया गया है इसमें, एक्चुअली कलर डिस्प्ले में पहली बार देख रहा हूँ कोई बार्स में, शायद हो सकता है, पर मेरे नज़र में नहीं आया है कलर डिस्प्ले वाला ईयरबड्स। तो
तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी के लिए इसको रखते हैं और देखते हैं अंदर में और क्या क्या है इसका। और तो कुछ नहीं है, एक केबल दिया गया है, ये एक टाइप सी केबल है, तो ये टाइप सी केबल सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पार्ट्स है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लुक देने के लिए ट्रांसपेरेंसी डिज़ाइन दिया गया है। और ये टाइप सी से चार्जिंग होता है, मतलब बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे लिखा था जो चार्जिंग टाइम 1 to 2 आवर्स, 800 mAh का बैटरी में 1 to 2 आवर्स में चार्ज होना ठीक ठाक ही है। तो चलिए ये जो बार्ड्स है इसको अभी चेक कर लेते हैं, इसका साउंड क्वालिटी किस टाइप का है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो हम लोग देख ही लिए। ये बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का लग रहा है मुझे। ऐसे भी यहाँ पे कोई ENC वगैरह कुछ फीचर्स दिया नहीं है। और इसका जो प्राइस रेंज है ये बहुत ही सस्ते में आता है, उसी हिसाब से ENC तो नहीं आएगा, पर मुझे लग रहा है साउंड क्वालिटी ठीक ठाक ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। वाह, इसका जो ब्लिंकिंग वाला लाइट है वो भी अच्छा है, अब देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है। फ़ोन में कुछ गाना वगैरह चलाते हैं, इसको पेयरिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स M12 Max ये नाम आ गया है, कनेक्ट कर लेते हैं पेयर। ये अभी पेयरिंग हो चुका है, 60% बैटरी शो कर रहा है। तो कोई भी एक म्यूज़िक चला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, कान में लगा के देख लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स इसका जो साउंड क्वालिटी है ये ठीक ठाक ही है, मुझे नहीं लग रहा था कि इसका साउंड क्वालिटी अच्छा होगा, पर इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, आप लोग भी सुन लीजिए फ्रेंड्स। अमेजिंग फ्रेंड्स, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो इसके हिसाब से ठीक ठाक साउंड क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया लगा। देखने में नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा साउंड क्वालिटी ये देगा, पर मुझे तो ये अच्छा ही लगा। ये जो यूनिक डिज़ाइन के साथ ये बार्ड्स आया है और इसका जो साउंड क्वालिटी दे रहा है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बढ़िया लगा मुझे ये चार्जिंग केस या फिर डाक जो भी कहिए आप, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कलर डिस्प्ले के साथ ये बहुत ही खूबसूरत है और बार्ड्स का जो साउंड है वो भी बढ़िया लगा। ENC वगैरह तो नहीं है, पर ये जो बार्ड्स है और इसका जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया यूनिक डिज़ाइन के साथ। आप अगर इसको फ्रेंड्स के सामने निकालोगे तो फ्रेंड्स तो एक बार देखेगा ही देखेगा ज़रूर। ये टच पैनल दिया गया है, मतलब जो कंट्रोल है म्यूज़िक कंट्रोल या कॉल रिसीव वगैरह यही से कंट्रोल हो जाता है। ये टच सेंसिविटी बहुत ही अच्छी है, आपको दिखा देते हैं एक बार, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स वन टच में ये काम कर रहा है, बहुत ही सेंसिटिविटी टच है। और ये जो बार्ड्स है ये बार्ड्स कान में बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आ रहा है और इसका जो साउंड क्वालिटी है दोनों में, मतलब दोनों एक साथ आप कान में लगा के सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड दे रहा है ये। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा इसका जो साउंड है, ये बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को अगर ख़रीदना है तो आसपास की दुकान में ये वीडियो दिखा के मांग सकते हैं, तो शायद आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसका प्राइस क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इतना अमेजिंग लुक के साथ ये आ रहा है, इसके हिसाब से इसका प्राइस तो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। मतलब जो 1000 वाला बार्ड्स आता है उसके अंदर तो ये डिजिटल डिस्प्ले कलर वाला नहीं आता है और इतना अच्छा डिज़ाइन में नहीं आता है, पर एक्चुअली सच बताऊँ तो ये बहुत ही सस्ते में आ रहा है। सच बताऊँ तो ये मुझे अभी के लिए पड़ा है 550 रुपया, पर मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस जो है ये बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका जो यूनिक डिज़ाइन है ये बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है और यूनिक है। तो अभी के लिए ये 550 में मिल रहा है, पर
मतलब मुझे 550 में मिला है ओपन मार्केट में, या ऑनलाइन में नहीं देखा, ऑनलाइन में शायद ये नहीं आया अभी तक। तो ये आप लोग जाके आस पड़ोस दुकान में पूछ के आप खरीद सकते हैं। मुझे तो ये जो बाट से इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोगों को बोला था कि इसका जो दूसरा वेरियंट है मेरे पास वो आप लोगों को दिखाएंगे, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास ये और एक वेरियंट है, ये ग्रीन वेरियंट में है, मतलब ग्रीन कलर में। ये भी देखने में बहुत ही कूल लग रहा है। मुझे ये दो मिल गया एक्चुअली, तो मैंने ये दो उठा लाए। मुझे अगर ये और दो वेरिएंट मिल जाता तो मैं और दो वेरिएंट भी लेके आते, पर मुझे ये दो वेरिएंट नहीं मिला, ये दो वेरिएंट मिला, तो ये मैंने लाके आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आप लोगों को कौन सा वेरिएंट अच्छा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी टाइप का नया नया गैजेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए मेरी तरफ से। अभी के लिए चलते हैं, गुड बाय फ्रेंड्स।